आलू का पकौड़ा। आलू के पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं और अगर कुछ चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखा जाए तो बहुत ही करारे और होटल वाले बनते हैं। तो सबसे पहले हमें आलू को बॉयल करने की ज़रूरत है, यानी कि आलू को उबाल लेंगे और छील लेंगे और इस तरह से आलू को मोटा मोटा कट कर लेंगे। यानी कि अगर एक बड़ा आलू है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्लाइसेस करनी है या 3 स्लाइसेस करनी है। और जिस तरह से सारे आलू को हम कट कर लेंगे, ऊपर से इसमें हम मिला देंगे स्वाद अनुसार काला नमक और सफ़ेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, या यूँ कहें कि आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल करके हम इसे टॉस कर लेंगे और सारी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। सो ये आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम तैयार करते हैं बेसन का घोल, जिसके लिए मैंने सेम अमाउंट ऑफ बेसन का और चावल का आटा लिया है। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही करारी बनेंगी। अब मैं इसमें मिलाऊँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच बुकनू, घर का बना बुकनू है, इसका लिंक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा कि बुकनू घर पे कैसे बनाए। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर हम इसमें मिलाएंगे और इन सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार काला नमक और सफ़ेद नमक भी हम इसमें मिला देंगे अपने इस घोल में। और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, इवन मम्मा मिक्स कर रही हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें घोल तैयार करना है। जो हमारा ये बैटर बनेगा वो थिक होगा, यानी कि गाढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए कि अगर हम इसे स्पून में लें तो ये उस पर टिका रहे, बहना ना लगे। सो ये देखिए जो हमारा घोल है, जो बैटर है, वो तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। अब बारी है इसमें आलू को डालने की और अपने पकौड़ियों को तलने की। ध्यान रखें कि कोई भी लम्स ना रहे, अदरवाइज़ पकौड़ियाँ आपकी उतनी स्मूथ नहीं बनेंगी। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है और आलू को हमने बैटर में डाल लिया है और अब एक एक आलू निकाल करके हम कढ़ाई पर डालेंगे। तेल काफ़ी गर्म है सो हम गैस को अपने मॉडरेट कर देंगे, फ्लेम हमारी मॉडरेट हो जाएगी और एक एक करके इस तरह से हम आलू इसमें डालना शुरू करेंगे। आलू को बेसन में अच्छे से लपेटें, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, अदरवाइज़ जो आपकी पकौड़ियाँ हैं वो उतनी शानदार, उतनी जानदार नहीं बनेगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद में जब ये पकौड़ियाँ हमारी लाल हो जाएंगी एक तरफ से, तो बहुत ही पेशेंस के साथ में हम इन्हें पलट करके और दूसरे तरफ से सेक लेंगे। ध्यान रहे जो हमारी गैस है उसकी जो फ्लेम है वो मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ही हाई या स्लो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ या तो आपकी पकौड़ियाँ जल जाएंगी या फिर कच्ची रह जाएंगी। बहुत ही पेशेंस के साथ में मम्मा ये जो है पकौड़ियाँ को पलट रही हैं, एक साथ पूरी पकौड़ियाँ नहीं पलट रही हैं और ना ही किसी के साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इवन ये नहीं कि बहुत फोर्सफुली से पलट रही हैं कि जिससे वो टूट जाए। और देखिए एक तरफ से लाल हो चुकी है और फ्लेम जो हमारी है वो अभी भी मॉडरेट ही है, दूसरी तरफ से भी हम इसे अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। हमेशा ये होता है ना कि जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो जितना पेशेंस के साथ में आप उसे फ्राई करते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप फ्लेम को हाई करके और जल्दी करने के चक्कर में करेंगे तो पकौड़ियाँ जल जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। और ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं एक तरफ से, सो अब पलट के दूसरी तरफ से भी सेक ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हुई हैं, दिख रहा है हमें। दोनों तरफ से पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं, काफ़ी करारी दिख रही हैं और काफ़ी सुंदर भी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम से होटल वाली लग रही है ये। सो जब पकौड़ियाँ सिक जाएंगी इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से, तो अब हम इन्हें निकाल करके और एक प्लेट में रखेंगे, जिससे कि जो इसमें बचे हुए तेल हैं तो थोड़ा बहुत अगर तेल लग जाए तो वो रिस जाएगा। ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस आप पकौड़ियों को पलटते रहें, कोई भी पकौड़ियाँ कढ़ाई की तली में लगने ना पाएँ, यानी कि जलने ना पाएँ। पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, देखिए कितनी लाल और कितनी करारी दिख रही है। और अब इसे अब हम छानते हुए बाहर निकाल लेंगे और बाकी सारी पकौड़ियों को भी तैयार करेंगे।
से पकौड़ियाँ तल रही हैं, सिक रही हैं और इन्हें मैं सर्व करने जा रही हूँ। सो इस तरह से गर्मा गर्म पकौड़ियों को प्लेट में निकालें, इन्हें चटनी या सॉस के साथ में सर्व करें। सो आप भी बनाइए अपने घर पर ये करारी पकौड़ियाँ। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारी रेसिपीज़ पसंद आई है, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। सो कीप ईटिंग, कीप कुकिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।